और शुक्ला को गुजरे हुए पूरा एक साल बीत चुका है। फैंस उन्हें हर पल बेसब्री से याद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब सिद्धार्थ शुक्ला ट्विटर पर ट्रेंड ना हुए हो, या फिर फैंस उनसे जुड़े यादगार किस्से ना शेयर करते हों। सिद्धार्थ शुक्ला की आज के दिन ही यानी कि पिछले साल 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से परिवार के साथ साथ फैंस को भी तगड़ा झटका लगा था। सिद्धार्थ शुक्ला की खास दोस्त शहनाज गिल को कई दिनों तक सदमे में देखा गया था। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी और तभी से दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को नाम नहीं दिया, पर देखने वाले हमेशा कहते थे कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा ही शहनाज गिल को काफ़ी सपोर्ट करते थे। बिग बॉस के घर का कोई भी सदस्य शहनाज गिल पर उंगली उठाता था तो सबसे पहले उसको सिद्धार्थ शुक्ला का सामना करना पड़ता था। सिर्फ बिग बॉस ही नहीं बल्कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी दोनों की अच्छी खासी केमिस्ट्री फैंस को काफ़ी पसंद आई थी और हमेशा उन्हें नेगेटिविटी से सिद्धार्थ शुक्ला ने दूर रखा। वैसे आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की एक दूसरे से कितनी भी लड़ाई हुई हो, पर दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। आज सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कही बातें आज भी फैंस को काफ़ी याद आती हैं जो उन्होंने बिग बॉस के दौरान घर में शहनाज गिल से की थी। साथ ही शहनाज गिल को एक सलाह भी दी थी और जिस सलाह पर शहनाज गिल आज भी अमल करती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जब एक एपिसोड में साथ में बैठकर बात कर रहे थे तो उस समय सिद्धार्थ शुक्ला ने सना से कहा था, तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तू मेरे को कॉल कर दियो, हम लोग बात नहीं कर रहे लेकिन तुझे कोई प्रॉब्लम आए तो तू मेरे को फ़ोन करना, ठीक है? 70 साल की भी हो जाएगी और मैं जिंदा रहा तो करेगी फ़ोन? सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को ये भी समझाया था कि सिचुएशंस कैसी भी हों लेकिन ना तो वो कभी कमज़ोर पड़ेंगी और ना ही खुद को नुकसान पहुंचाएंगी। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना और हमेशा नॉर्मल रहना। ज़रूरी नहीं कि 1 करोड़ लोग तुम्हें पसंद करें, अगर एक इंसान भी तुम्हें पसंद करे और तुम्हारा ख्याल रखे तो वो बस काफ़ी है। इस बातचीत के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने एक सीन एक्ट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जब वो 10 साल बाद मिलते हैं तो किस तरीके का रिएक्शन होता है, क्या बातचीत होती है। मजाक मजाक में शहनाज गिल ने सिद्धार्थ से कहा था कि उनकी शादी हो गई, उनके कार्तिक आर्यन और गौतम गुलाटी से 2-2 बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने आश्रम में रख दिया है। शहनाज गिल ने यह भी कहा कि उनका सिद्धार्थ शुक्ला से भी एक बच्चा है जिसे उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में रखा हुआ है और उस दौरान फैंस को ये बात काफ़ी पसंद आई थी। वो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को प्यार से सिडनाज बुलाया करते थे। अब सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है और उनकी कही बातें फैंस को आज भी याद हैं, वो अब हमारी यादों में बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ। We'll be right back.